और ये आ चुकी है हमारी फरारी, और ये आ रही है ऑरेंज बुगाटी। आज होने वाली है फरारी की सवारी। और आज सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज था हमारा अबू धाबी के लिए एक एड शूट। मंदी हमारी आ चुकी है। ओए ये मेरा फोन है। अभी मैं जाने वाला हूँ इस लाइट में। अस्सलाम वालेकुम शपैगी, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आर एच एस एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर अबू धाबी में एक और खूबसूरत सुबह। क्या हाल चाल है? ओए मेरा फोन थले डिग गया ना। आप सब कैसे हो भाई? अच्छा भाई क्या प्लान है आज हमारा? आज अपनी फिट विनिंग हो गई है, रंग थोड़ा सा फर्क आ गया लेकिन वैसे ठीक है। यस। क्या प्लान है आज का? आज हम लोग जेट कार्स करने जा रहे हैं। जेट कार? जेट दौड़ गया भाई, जेट दौड़। अच्छा हम लोग करने जा रहे हैं भी जेट कार्स। ये जेट कार ये जेट कार की चीज है। जेट हम लोग जा रहे हैं जेट कार्स के लिए। हम लोग जा रहे हैं जेट कार्स के लिए। अच्छा जेट स्की तो आपने सुनी होगी, जेट कार भी सुनी होगी। इतनी कोई दुनिया में नई चीज़ नहीं है। मेरे जूते पर पाँव रख दिए, मैंने सब तो ज़्यादा नफरत है इस चीज़ तो है। लेकिन जब बेगम की तरफ से जूता आ रहा हो जूते पे तो फिर कुछ कह नहीं सकता बंदा, कोई होर होता ना। कह देते हो आप कैमरे पे तो मुझे अच्छा हो लेने दिया करो यार। अच्छा खैर हम लोग जा रहे हैं जेट कार्स के लिए। ये बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पे जेट कार्स हैं बड़ी खूबसूरत। आप गाड़ी पानी के ऊपर चलाओ मेरे ख्याल, इससे पहले हम निकलें कि देर हो जाए। हम इससे पहले किससे पहले निकलें? देर से पहले कि देर हो जाए उससे पहले निकलें। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें निकलना चाहिए। और हमारे सामने इस टाइम क्या होटल का खूबसूरत व्यू है यार। आपको लगता है कि आप वाकई में ना एक रॉयल गेस्ट हो। अगर आपने पिछली वीडियो देखी तो आपको पता होगा, वरना हम लोग स्टे कर रहे हैं एमिरेट्स पैलेस में और हमारी गाड़ी आ चुकी है। क्या ही खूबसूरत बिल्डिंग है। चलो 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 चलो, लो जी 4-5 मिनट में हम लोग पहुंच भी चुके हैं जेट कार्स के लिए। इवन यहां से हमारा होटल भी पीछे ये नजर आ रहा है। और इस तरफ अभी जाएंगे, मेरा ख्याल कोई रिसेप्शन वगैरह होगी। वहां से टिकट ऑलरेडी है, बस जेट कार में सवार होना है और पानी में समंदर में। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बीच। और आज जल्दी से जरा देखें, यहां से हम लोग जाएंगे नीचे और ये सामने सारी वाटर एक्टिविटीज हैं, बीच है। ये बाय द वे बड़ी मजे की जगह है यार वेस्ट बे। यहाँ पे आप कैफे पूल जिम स्पा सब इंजॉय कर सकते हो। मेरा ख्याल है डे पास होता होगा। असी हले सवार होना है पानी अली गड्डी च। राणा हमजा से और ये आ चुकी है हमारी फरारी। आज होने वाली है फरारी की सवारी। क्या खूबसूरत, वहाँ इसके आगे शीशा भी नहीं है। और ये आ रही है ऑरेंज बुगाटी। हमारे पास ऑरेंज बुगाटी की भी ऑप्शन है और वाइट फरारी की भी। खैर हम लोग जाने वाले हैं वाइट फरारी में। जूते हमारे उतर चुके हैं क्योंकि पानी में से गुजर के बैठे। Start हो गई है हमारी गाड़ी। आज होने वाली है फरारी की सवारी। वहाँ रेडी? Yeah! मुड़नी कैसे ये? मुड़ रही है। स्लो स्लो हम रेस देंगे और रेस देंगे जाते जाएंगे हम समंदर की तरफ। अच्छा और मजेदार एक्सपीरियंस है अबू धाबी की तरफ। बिल्डिंग, समंदर, खूबसूरत व्यू और हमारी गाड़ी में, हमारी फरारी में बहुत महंगा म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ है यार। ये खूबसूरत एक्सपीरियंस है ऑनेस्टली। आप पानी में गाड़ी चलाते फिर रहे हो। लो जी निकल आए हम लोग अपनी फरारी से। फरारी के साथ वैसे कपड़े सही मैच हो रहे थे, है ना? फरारी में ब्लू लाइन होनी चाहिए थी बस। लेट मी शो यू गाइस कि इस वक्त हमजा अपने आप को चाय पीते हुए बाहर कितना शहंशाह समझ रहा है। हेलो साहब, ये क्या हो रहा है भाई? बादशाह सलामत है हम। इतने प्यारे व्यू के साथ हमारे घर के कमरे से क्या खूबसूरत व्यू है। वो प्राइम मिनिस्टर की कॉल आनी थी। पहले अपनी ऐनक से धुआं तो साफ कर लें। ऐनक मेरी साफ की जाए, एक मिनट।
बस बस हमजा बस, बस। क्या मजेदार आज चाय बनाई है, मजा आ गया पी के। फरारी से निकल के सीधा हम यहाँ पहुंच चुके हैं। क्या वैसे खूबसूरत इस टाइम शाम, हम फरारी में आए इधर, हम फरारी वो वहां पर उसकी लैंडिंग हुई थी। हाँ। उधर क्या खूबसूरत इस टाइम वैसे शाम हो रही है और गर्मी से पसीने हमारे फुल हो गए थे, तो हम लोग वापस आए नहा धो के। इधर जरा हम अभी अपना शहाना माहौल एंजॉय कर रहे हैं। बस बस बहुत ओवर आप। देखो भाई, जब बंदा स्टे कर रहा है पैलेस में तो पैलेस वाली फील भी तो लेनी चाहिए ना। ये इतनी खूबसूरत शाम और ऐसी जगह पे जब आप अंदर से फील करो ना कि हाँ आप वाकई ऐसी जगह रह रहे हो, तो फिर उसकी एक्चुअल फील आती है। लेकिन दो मिनट बाद अंदरों आवाज आती है कि रहन दे, तो अपने कम नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने जब इतना खूबसूरत एक मौका दिया तो अंदर से जरा फील भी करना चाहिए उस चीज को। और एक कप मेरा वाकई खाली है, मैं बनावाऊंगा कॉफी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। वाह यार माशाल्लाह, क्या खूबसूरत इस होटल की वाइब है यार। ओए वो देखो अंकल ने क्या पकड़ा हुआ। वाह, पता नहीं बात कोई बीच में ही रहेगी। क्या कहना चाह रहा था मैं, यही कहना चाह रहा था कि बहुत आपको अच्छी रॉयल फील आती है। खैर, यहीं से हम अपना आज बफे स्टार्ट करेंगे। अच्छा भाई, रोज़ हम आते हैं यहाँ से चीज़ें उठाते हैं खा लेते हैं। आज मैंने सोचा कि क्रोसन खुद तैयार करते हैं। इसमें मैं डिफरेंट चीज़ें डाल रहा हूँ, अभी फाइनल प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगा। और महा ने एक होए स्मूदी बॉल तैयार की है और सारा खुद, ये बना बनाया नहीं मिला भाई, ये सारी आपने खुद की है। पूरा इसकी तैयारी, खूबसूरती, हर चीज़। ले जी, हमारा एक बहुत ही जंबो जेट किस्म का क्रोसॉन रेडी है, साथ में सुशी भी काफ़ी सारी आ चुकी है। अब इस क्रोसॉन में क्या क्या मैंने चीज़ें डाली हैं, क्या क्या मैंने इसमें चीज़ ऐड कराई है, और अब इन बंद करो। आपने चीज़ मेल कहाँ से करवाई है? चीज़ मेल काम करवाया। इसमें जो मेरा दिल किया मैंने डाला है, हनी मस्टर्ड डाला है, बीफ पेस्ट्रामी डाला है, उसके अलावा स्मोक सैमन डाली है, फिर उसके अलावा मैंने इसके अंदर स्मोक टर्की डाला है। इंतज़ार नहीं हो रहा, मशरूम्स हैं। ये तो जोई का फेवरेट सैंडविच है। इसके अंदर चेक करो कितनी लेयर्स आपको नजर आ रही हैं। सुबह नाश्ते से हमारा दिन शुरू हुआ और आज सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज था हमारा अबू धाबी के लिए एक एड शूट था एक रेस्टोरेंट का, जो कि मिचलन गाइड में एक रेस्टोरेंट फीचर हुआ है। उस मिचलन गाइड के आर्टिकल पे एक एड शूट था जिस एड में आपका भाई है। ये आप लोगों की दुआएं, मोहब्बत और प्यार है। और बड़ा मजे का हमारा शूट हुआ, तकरीबन 3 घंटे शूट चला, जिसमें एक रेस्टोरेंट है उसकी एक डिश है जो मिचलन गाइड में फीचर हुई है। उस डिश को हमने खाना भी था, उसको बनाना भी सीखना था, तो वो एक प्रॉपर एड था। जब वो एड आएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देखो भाई, अभी तक जगह जगह जाके रेस्टोरेंट्स पे खुद शूट करके खुद खाने हमने बहुत खाए हैं, लेकिन आज जो मजा था ना कि एक रेस्टोरेंट में गए हैं और प्रोडक्शन टीम है भाई आपका उस एड में, कैमराज के सामने, कोई फिक्र नहीं थी कैमरा कौन हैंडल कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। डीवीसी शूट हमारा कंप्लीट हो गया और अभी गाड़ी भी आ चुकी है, हम लोग अभी जाएंगे कुछ और खाने। गाड़ी में बैठे और सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पे एक रेस्टोरेंट है, सऊदी कुजीन। महा का दिल कर रहा था मंदी खाने का, तो हम लोग आए हैं सऊदी कुजीन पे मंदी खाने के लिए। और डीवीसी बड़ा मजे का शूट हुआ यार, ये आप लोगों को कहाँ नजर आएगा जब ये आएगा? आई थिंक ये महा की प्रोफाइल में प्रोफाइल में नहीं आएगा, डीवीसी ये महा अबू धाबी के लिए। पाकिस्तान में शायद, पाकिस्तान में भी चले, बट मैं आप लोगों को दिखा दूंगा जरूर। और यहाँ से हम लोग एंटर होंगे सऊदी किचन में। सऊदी किचन है, सऊदी कुजीन नहीं है। आए हाय हाय हाय, एक्साइटेड फॉर मंदी। शुक्र है कि मंदी लवर होने में महा का मेरे साथ पूरा साथ है, शुक्र है, वरना अक्सर जगह पे महा को मीट पसंद नहीं आता। जी जनाब, कौन सी खानी है? मदफून, मधबी, बुखारी, मंदी, जुर्बियान, कब्सा, मदफून। मंदी हमारी आ चुकी है, क्विक सर्विस भाई मंदी की। ओए हाय हाय हाय, देख के ये खीर हो गई बाबा जी, मंदी के जादू। ओए क्या टेंडर किस्म का मीट है यार, आउट पड़े। बस महा के हाथ लग जाए सही कैमरा, लग जाए कैमरा एक दफ़ा। मंदी का मज़ा तो भाई फिर ऐसे ही है कि इसको ज़रा सुफरे पे निकाल निकाल के बंदा खाए, फ्राइड अनियन तो किशमिश उतने पा के, बहुत मज़ेदार। पक्की बात है, मुझे याद ही नहीं है। चटनी भी डालो, खाने का मज़ा, खाता हूँ मैं चटनी। साथ में हमें मिले फ्राइड अनियन, और फ्राइड अनियन के साथ मेरे ख्याल मैंने भी पहली दफ़ा खाई है मंदी। वो लास्ट टाइम जो खाई थी उसमें थे नहीं। फ्राइड अनियन अपना अलग टेस्ट ऐड कर रहे हैं, हल्का सा ज़रा क्रंची, और जिस तरह से अनियन का आता है हम बिरयानी में, जिस तरह खाते हैं, बिरयानी में नहीं खाते, हलीम में खाते हैं, या हैदराबाद में पुलाव में खाते हैं। काम शाम करके बैक टू होटल, और अभी हम लोग जा रहे हैं पूल वाली साइड पर। आज जरा हमने कहा पूल शूल इन्जॉय करते हैं। वही कितनी प्यारी जगह है यार ये, महा को हम छोड़ेंगे किड्स पूल में
और हम जाएंगे वो जगह देखो कितनी खूबसूरत है यार। खूबसूरत, हाँ ये जगह, हाँ ये जगह हम कभी नहीं यूज करते। मूवमेंट इन लाइफस्टाइल, ये हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि लाइफस्टाइल क्या होता है। चलो जी यहाँ से हम लोग जाएंगे बाहर। ओए बाहर आते ही गर्मी का एक तूफान और सामने है पूल। वाह वाह वाह, यहाँ से क्या ही खूबसूरत नजारे आ रहे हैं यार इस रिजॉर्ट के। ये भाई यहाँ पे बहुत ही मजे की स्लाइड, अभी स्लाइड में भी जाएंगे और जिस तरफ भी जा रहा हूँ मैं, मेरा पूरा व्यू चेंज हो रहा है। ये चेक करो अब यहाँ से कितना खूबसूरत यहाँ होटल का व्यू आ रहा है, साथ में पूल और पीछे बिल्डिंग। लो जी ये डे बेड पे हमने कब्जा कर लिया और अब मैं जाने वाला हूँ पूल में। स्लाइड पे जाएंगे, लिए स्लाइड अभी एक दफा मजा है। चलो चलो ओए ऊपर आके मुझे पता लगे एक स्लाइड ये जो ऐसे जाएगी ऐसे घूम के नीचे ये स्लाइड बंद है अंदर से, और सेकंड स्लाइड है ये ऑरेंज वाली। लो जी जाने वाला हूँ मैं येलो स्लाइड में और ओए ये मेरा फोन ना ले, ओ तेरी नेरा पक्को गई। ओए क्या मजा आया मुझे स्लाइड का। ये कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है और यहाँ पे इन्होंने साथ ही फाउंटेन बनाई हुई, इतना कुछ नेक्स्ट लेवल माहौल है यार। ये एक पूल नहीं है, पूरा वाटर पार्क टाइप है। यहाँ से ये पूल है, फिर ये पूल है, वो अलग अलग फाउंटेन चलती हैं। अभी मैं जाने वाला हूँ इस स्लाइड में और ऑरेंज वाली, पहले वाली में भी काफी मजा आया, इसमें देखते हैं। इस पूल में हमने काफी सारी स्लाइड्स ले ली हैं और अभी बगी बुलाई है, बगी आएगी तो हम दूसरे बड़े पूल में जाएंगे क्योंकि ये किड्स पूल है, ये बंद हो जाता है तकरीबन 7 बजे और दूसरा पूल 11 बजे तक खुला रहता है। अच्छा जो किड्स पूल है इसका ये मतलब नहीं है आपने इसको छोटा समझना है, ये पूल ऐसे बीच में से एक एग्जैक्टली बहुत बड़े वाटर पार्क की तरह बड़ा खूबसूरत, वो पहाड़ से बनाए हुए हैं उनके बीच में से ये पूल इस तरह जाता है, बहुत खूबसूरत है और ये लश ग्रीन खूबसूरत गार्डन है। अभी हम लोग जा रहे हैं मेन पूल में, बगी हमारी आ चुकी है, अलग अलग बैठ के जाना है। आ चुके हैं हम लोग मेन पूल पे और मेन पूल भी उसी तरह से डिजाइन हुआ है, बीच बीच में से गुजर रहा है, उस तरफ भी काफी सारे पूल्स हैं और बड़ा प्यारा सनसेट हो रहा है। हम लोग आ चुके हैं एक साइड पे गार्डन के दरमियान में गोल सा पूल बना हुआ है, ये पूल बीच में से कनेक्ट होता है दूसरे पूल के साथ, तो हम लोग फिलहाल यहाँ पे अपने ये इनमें से कोई डे बेड लेंगे तो बह के थे चिल मारेंगे। Just take a look at yourself. एक और दिन शुरू हो चुका है, गुड मॉर्निंग, और नाश्ता वगैरह किया रूटीन के हिसाब से। हमारा जो मेन काम था वो कल एड शूट के बाद खत्म हो चुका था, उसके बाद हमारा एक पूरा दिन आज का खाली है, तो बस अभी बाहर निकलेंगे घूमे फिरेंगे थोड़ा इधर उधर और उसके बाद हम सीधा एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट से पाकिस्तान। इस ट्रॉली में खजानों की तरह जा रहे हैं हमारे बैग्स। जी मलका आलिया बन के कहाँ जाने की तैयारी है, चेकआउट प्रोसेस डन, थैंक यू सो मच, और हमारी गाड़ी भी पहुंच चुकी है। कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल अबू धाबी का? मजा आया और हमारी गाड़ी आ चुकी है, शीशे ब्लर हो गए ने। बैक टू पाकिस्तान पहुंच चुके हैं घर, बड़ा मजे का ट्रिप था। आप लोगों को भी इस ट्रिप की वीडियोस कैसी लगी मुझे लाजमी बताना है कमेंट्स में, सब्सक्राइब मस्ट है। और मैं एक बहुत मजे का ट्रिप प्लान कर चुका हूं, मतलब वो एक नेक्स्ट लेवल ट्रिप होने वाला है इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में आपको पता लगेगा क्या ट्रिप है और क्या होने वाला है, कुछ हमारे अक्लमंद सब्सक्राइबर्स उसको गेस कर सकते हैं क्योंकि मैंने उसका एक हिंट कुछ वीडियोस पहले एक हिंट दिया था छोटा सा। खैर ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आई हो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी दिल करे भाई को दुआ में याद रखना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है और सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना, घंटी भी उसकी क्लिक करके जाना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक लाजमी पहुंचे क्योंकि अगली वीडियो में एक नेक्स्ट लेवल ट्रिप शुरू होने वाला है।